नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप विपिन शुक्ला जी की डिमांड पर सीनरी बनाना सिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपका वीडियो में नाम लें तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे और वो ड्राइंग भी जो आप कहेंगे उसको हम ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर हम तीन कलर का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको तीनों कलर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले आप एक सर्किल बना लीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद आपको इस कलर की हेल्प से एक यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना होगा। हाफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ करिएगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे कलर की हेल्प से। फिर आप ऊपर के साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए एक यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ तक हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बीच वाला जो हिस्सा है आपको इस कलर से इसको पूरा फिल करना होगा। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम ऊपर वाले साइड को इस कलर से करेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे। चलिए पहले फिल करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे आपको सीनरी बनाना है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक कॉटन स्टिक का यूज करेंगे, जिस पे एक स्टिक रहेगा और इसमें कॉटन लगा रहता है। इस तरह आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा कलर सर्किल के बाहर निकल गया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, आपका कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले हम इसको पूरा मिला देते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर एक डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। इसकी हेल्प से आप बीच से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ से आप बहुत ही सावधानीपूर्वक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऐसे बीच में एक हाफ सर्कल बनाना होगा। यहाँ से ऐसे बहुत ही सावधानीपूर्वक आप एक छोटा सा हाफ सर्कल बना दीजिएगा। हाफ सर्कल बनाने के बाद नीचे से इसको आप ऐसे डबल करना होगा। यहाँ तक आप ऐसे डबल करिएगा, इधर से भी आप ऐसे डबल कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा। इस तरह आपको बनाना होगा। ये शेप बनाने के बाद आपको ऊपर के साइड भी छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे बहुत ही सावधानीपूर्वक ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों, हमने एक नया चैनल व्लॉग का बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
जस्ट इसी ऊपर से यहाँ से आपको कुछ ब्रांचेस निकालने होंगे। यहाँ से ऐसे निकालिए, फिर इसको आप ऐसे डबल करिएगा, नीचे के साइड में ले जाइएगा हल्का सा, यहाँ पे आप ऐसे डबल कर देंगे, यहाँ से भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा, इधर से भी आप ऐसे जस्ट इसी के बगल से कुछ ब्रांचेस निकाल दीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी रिपीट करना होगा। तो चलिए दोस्तों ये ब्रांचेस निकालते हैं और इसको पूरा पेंसिल की हेल्प से ब्लैक करते हैं।